हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने जहां तक डिस्कस कर लिया था उसके बाद हम इस वीडियो में BPCS 188 के जो टॉपिक बचे हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो 1.2.2.3 है और इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सो साइकोलॉजी इन्वॉल्व इम्पेरिकल मेथड। इम्पेरिकल का मेथड मतलब मेथड जो है इसका मतलब क्या होता है? तो इम्पेरिकल का मतलब होता है अनुभव, ठीक है ना। हिंदी में अगर इसका कहे तो अनुभव, अनुभव के आधार पर। तो सोशल साइकोलॉजी इन्वॉल्व इम्पेरिकल मेथड, इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इम्पेरिकल का मतलब है जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि सोशल साइकोलॉजी में इम्पेरिकल मेथड शामिल है, ठीक है ना, मतलब इन्वॉल्व है। और अब यह कैसे है, तो यहाँ पर बात मतलब बताया गया है कि जो सोशल साइकोलॉजी है ब्रांच है साइकोलॉजिकल साइंस का, जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में फील्ड सेटिंग के साथ साथ लेबोरेटरी सेटिंग में, मतलब फील्ड में भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और लेबोरेटरी में भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें कलेक्टेड डाटा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, मतलब कलेक्टेड डाटा है इसमें और उस डाटा की व्याख्या का एनालिसिस के लिए इम्पेरिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। इम्पेरिकल मेथड इसमें शामिल है, ठीक है। तो एक तो डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा का इंटरप्रिटेशन के लिए हम इम्पेरिकल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है।